वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप स्नेक्स के ऊपर ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्या आपको पता है कि इतना बड़ा स्नेक जिसकी डेथ हो चुकी है और वो कितने ईयर्स जिंदा था, नहीं पता? तो आप इस वीडियो में ऐसे ही रोचक फैक्ट्स के बारे में जानोगे जो आपके होश उड़ा देंगे या फिर वो फैक्ट्स आपने कभी सुने नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा स्नेक्स पाए जाते हैं ऐसे कॉन्टिनेंट या फिर ऐसी कंट्री कौन सी है? वो है ऑस्ट्रेलिया। और वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे इसे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ के जो टेम्परेचर है वो स्नेक्स के लिए बेस्ट है। और वहाँ पे 60+ स्पीसीज स्नेक्स की पाई जाती है, 60+, जिसमें से जो सबसे पॉइजनस स्नेक है वो है इनलैंड टाइपन, जिसका नाम है इनलैंड टाइपन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे पॉइजनस स्नेक है। स्नेक्स उनकी आईलिड्स नहीं होती, जबकि उसकी जगह उनके ब्रिल या स्पेक्ट्रम होते हैं, जो कि उनकी कॉर्निया यानी कि आइज को प्रोटेक्ट करती है किसी भी हार्म होने से। जो सबसे लार्जेस्ट स्नेक है जो कि अभी भी इस अर्थ पर है वो है ग्रीन एनाकोंडा, जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है ग्रीन एनाकोंडा। और इसका जो वेट है वो है 227 kg, और ये अभी भी अर्थ पर है और ये लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट स्नेक में से एक है। ये जो बिग सी स्नेक है जो कि ज़्यादातर समुद्र में ही पाए जाते हैं और समुद्र में ही इनको रहना पसंद रहता है, ये इनका जो 1 drop ऑफ पॉइजन होता है वो 3 यानी कि 3 लोगों की डेथ कर सकता है, 3। इसलिए ये पॉइजनस स्नेक में से एक है और ये बहुत थिन यानी कि पतले होते हैं। कि जो 7 meter लंबे स्नेक होते हैं यानी कि एग्जांपल जाइंट पाइथन, क्या आपको पता है इनकी कितनी बोन्स होती है या फिर कितने वर्टिब्रल होते हैं? 600 वर्टिब्रल होते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 1800 बोन्स होते हैं जाइंट पाइथन, जो कि 7 meter लॉन्ग है, उसके 1800 बोन्स एंड 600 वर्टिब्रल होती हैं। क्या आपको पता है कि जो 10 centimeter या फिर 20 or 30 centimeter लॉन्ग स्नेक्स होते हैं उनके कितनी वर्टिब्रल होते हैं या फिर कितनी बोन्स होते हैं? उनके वर्टिब्रल की बात करें तो उनके होते हैं 200 वर्टिब्रल, और उनकी जो बोन्स होती है टोटल पूरी उनकी बॉडी में उनको अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेटली देखें तो वो है 600 बोन्स उनके पूरे बॉडी में होती है। पता है कि कोई ऐसा स्नेक जो कि ग्रीन एनाकोंडा से भी बड़ा है लेकिन उसकी डेथ हो चुकी, बस खाली उसका स्केलेटन बाकी है, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। उसका नाम है द टाइटन बोआ और इसके बारे में विकिपीडिया के ऑफिशियल पेज पर है। ये एक ऐसा स्नेक है जिसकी डेथ हो चुकी है जो कि ग्रीन एनाकोंडा से लार्जेस्ट था और बड़ा भी था। इसके जो स्केलेटन पाए गए थे वो पाए गए थे 2009 में। ये आप मेरी स्क्रीन पे इसके स्केलेटन की इमेज देख रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, क्या आपको पता है इसका वेट था, अगर हम लोग टाइटन बोआ के वेट की बात करें तो इसका वेट था 1135 kg। इस स्नेक का वेट थी बहुत ही 12.8 meter इसकी हाइट थी। स्नेक है इसके अगर हम लोग बोन्स की बात करें तो इसकी बोन्स थे 250 vertebrae, यानी कि अगर हम लोग इसके बोन्स की बात करें तो होगी 2000 bones, मोर देन 2000 bones इसके पूरे बॉडी में थे। लाइफ स्पैन की बात करें तो ये 58 million साल तक जिंदा था, 58 million ईयर्स तक ये इसकी डेथ नहीं हुई थी, 58 million ईयर्स सोचिए। जो फॉसिल फ्यूल्स थे वो 2009 में पाए गए हैं, 2009 में, और वो भी कोलंबिया में, जो कि USA में है, कोलंबिया शहर जो कि USA में, वहाँ टाइटन बोआ स्नेक के फॉसिल्स पाए गए हैं। तो लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको
कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा, और जिनको स्नेक्स के ऊपर फैक्ट्स अच्छे लगे उनको शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।